दोस्तों नमस्कार, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे की इडली, बहुत ही नरम और सॉफ्ट इडली पोहे की आज हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं बताती हूँ कि उसमें क्या क्या लगता है। ये हमने एक कटोरी पोहा लिया है, पोहा चिड़वा या चूड़ा कुछ भी कह सकते हैं आप। और ये हमने आधी कटोरी दही लिया है, आधी कटोरी हमने सूजी ली है, सूजी के जगह पे आप रवा भी ले सकते हैं, इडली रवा। और ये हमने इनो का एक पैकेट लिया है, लेमन फ्लेवर में है। और ये हमने नमक लिया है, नमक स्वादानुसार डालें। आधी चम्मच हल्दी ले रखी है, आधी आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तड़के के लिए, जीरा और राई, और ये धनिया पत्ता कटा हुआ, ये दो हरी मिर्चें कटी हुई। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और ये पोहे को हम उसमें डाल लेंगे। इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे पोहे को। देखिए, अब हमने इसको पीस लिया है, अच्छे से इस तरह से पीसा है, ऐसे इसका बन गया है। आप इसको भिगा के भी पोहे को पीस सकते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और इसको डाल लेंगे इसमें। ये हमने दही ले रखी है, इस दही को डाल देंगे इसमें। ये हमने आधी कटोरी सूजी ले रखी है, इसको भी डाल लेंगे। नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्च कटी हुई रखी थी वो डाल लेंगे, और ये हरा धनिया। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, स्मूथ सा इसका एक घोल सा बना लेंगे। अभी इसमें पानी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और जैसे इडली का घोल बनता है उस तरीके का हम बनाएंगे। देखिए, ऐसा हमने घोल बना लिया है जैसे इडली का घोल बनता है। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी सूजी फूल जाए और पोहा भी थोड़ा सा पानी सोख ले। उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर हम इसको बनाएंगे। तो 10 मिनट में ढक के इसको रख देती हूँ। देखिए, अब इसको रखे हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब देखिए, सूजी फूल गई है और फूल के पानी कम हो गया है, थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब सूजी फूलती है और पोहे में भी पानी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए ऐसा घोल बना लेंगे हम अच्छे से इसका। बढ़िया सा इसका पेस्ट बना लेंगे, खूब अच्छी फूली फूली सी इडली बनती है इसकी। और आप इसको चाय के साथ या सांभर चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है ये। अब हम अपना एक एक बर्तन रखेंगे और उसको गैस को जला लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल ज़्यादा नहीं डालना हमें, और थोड़ा जीरा डाल लेंगे, और जीरा और सरसों हमने डाल ली इसमें। देखिए, अभी तड़का हमारा हो चुका है, अब हम इसको अपने घोल में डाल लेंगे और इसको मिला लेंगे। इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन इसको डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है। अब हम ये जो हमने इनो ले रखा था, ये इनो हम डाल लेंगे और इसको फटाफट मिला लेंगे। अब हमने इडली मेकर रख लिया है और इसमें एक गिलास के करीब पानी डाल देंगे। जब तक हमारा पानी गर्म होता है तब तक हम इडली को सांचे में डाल देते हैं। इसको हमने पहले से ही तेल से ग्रीस करके रखा हुआ है, ऐसे इडली को डाल लेंगे। ऐसे सारे में डाल लेंगे हम।
देखिए हमने सारे सांचों में इडली को डाल लिया है। अब इस सांचों को ऐसे लगा देंगे एक पे, और ये हमारा पानी उबल रहा है इसमें हम रख देंगे और ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए इसको होने देंगे, फिर चेक करेंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और मेरी इडली बन के तैयार है। अब हम अपने गैस को बंद कर लेंगे और निकाल के इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको नाइफ या चम्मच की मदद से निकाल लेंगे बाहर। देखिए अब हमारी इडली बन के तैयार है। हम इसको चम्मच की मदद से ऐसे धीरे धीरे से निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे। और ठंडी हो चुकी है और हम इसको निकाल लेंगे ऐसे। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी है। देखिए हमने परोस लिया है इडली, कितनी सॉफ्ट इडली और अच्छी इडली बनी हुई है। आप इसको अपने घर में ट्राई करें और हमें कमेंट में लिख के बताएं कि कैसी बनी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों।